समाज पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साबिका डिप्टी मेयर जनाब अब्दुल समद साहब का, उनके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आइए शहीन नशीन पर तशरीफ फरमा हमारे महाराष्ट्र के कारगुजार सदर नौजवान दिलों की धड़कन सैयद मोइन साहब, शहीन नशीन पे तशरीफ फरमा बहुजन समाज के जिला अध्यक्ष वाजिरों के जिम्मेदार धौड़े साहब, सुभाष जी साहब, हमारे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अल्ताफ साहब, नौजवान लीडर सिकंदर साहब, हमारे कम्मू भाई समाजवादी पार्टी के सचिव और स्टेज पे तमाम बैठे हुए समाजवादी बसपा के जिम्मेदार और सामने बैठे हुए बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। यहाँ मैं सपा और बसपा का मुश्तरका उम्मीदवार बनकर आपके सामने 18 तारीख को जो इलेक्शन जो वोटिंग होगी उसके लिए वोट मांगने खड़ा हूँ। मेरे दोस्तों, ये पार्लियामेंट के इलेक्शन है, पार्लियामेंट के इलेक्शन, पार्लियामेंट का उम्मीदवार इसलिए चुने जाता है कि पार्लियामेंट में आपका मुस्तकबिल कैसा हो, आने वाली जिंदगी कैसे हो, आपके कारोबार कैसे हो, आपको जीना कैसा है, ये सब पॉलिसीज वहां तय की जाती है। हमने देखा 10, 20, 30, 40 साल पार्लियामेंट में ये कांग्रेस रही, लेकिन दलितों और मुसलमानों के बारे में, उनके पास, उनके मुस्तकबिल के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में उनके पास कोई प्लान नहीं। कांग्रेस ने हर वक्त मुसलमानों और दलितों को नजरअंदाज किया है। अब ये जो गवर्नमेंट 5 साल जो रही है, इसका तो अल्लाह ही खैर करे मोदी जी का, ये तो 4 साल तो बाहर ममालिक का दौरा ही करते रहे, उनको देश से तो 4 साल का सबका ही नहीं था। अब जब इलेक्शन आ गए करीब तो 1 साल से वो लोग यहाँ फिर रहे हैं वोट मांगने के लिए, वोट मांग रहे हैं मंदिर पर, मुस्लिम दुश्मनी पर, हिंदुत्व पर, ये सब ये जो चीजें हैं ये देश को टुकड़े करने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम में फसाद पैदा कर वोट लेने की बात करते हैं। ये जो पार्टी है शिवसेना और भाजपा की जो बनी हुई पार्टी जो दिल्ली में राज कर रही है, असल दुश्मन है ये दलितों और मुसलमानों की, गरीबों की और पिछड़ों की। इनकी हालत देखिए, ये कहते हैं कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे और इन्होंने कई वादे किए, किसानों से वादे किए कि हम खर्च माफ करेंगे, आत्महत्या रोकेंगे। किसानों की आत्महत्या रुकी नहीं, खर्च माफ हुआ नहीं, अलबत्ता इतना जरूर हुआ दलितों और मुसलमानों पे इतना जुल्म किया, ये खौफ की राजनीति डरा धमका कर मुसलमानों को हिंदुओं से दूर रखकर राजनीति करना चाहते हैं। मॉब लिंचिंग जो हुआ, आज हमारे जो प्रदेश के सो कॉल्ड लीडर हैं अध्यक्ष, आज वो कहते हैं कि भाई मॉब लिंचिंग जो बीजेपी के दौर में हुई, जो मुसलमानों को हलाक किया गया, खत्म किया गया, उस वक्त ये कहाँ थे। आज स्टेजों पर कहते हैं कि मॉब लिंचिंग के बारे में कई बातें कह रहे हैं, लेकिन एक ऐसा नांदेड़ में कांग्रेस की तरफ से मॉब लिंचिंग पर एहतजाज बताइए कि इन्होंने कभी इन मॉब लिंचिंग पर, मुसलमानों पर, दलितों पर जो अत्याचार हुआ इसके लिए उन्होंने कभी धरना दिया? नहीं मेरे दोस्तों, ये 5 साल में एक बार सिर्फ आपके वोट लेने आते हैं, वो वोट लेते हैं सिर्फ आप वोट दो, सत्ता में भागीदारी वो कभी नहीं देंगे आपको। आज तक पार्लियामेंट का मेंबर
तो बहुत दूर की बात है पार्लियामेंट का उम्मीदवार की हैसियत से किसी मुसलमान को इन्होंने आजादी के बाद से आज तक भी कभी उम्मीदवार तक नहीं बनाया। और ठीक है, हम तुम्हें भरोसा करें, हमने तुम पर भरोसा कर पार्लियामेंट में भेजा, मोदी को रोका और फिर आज फिर आप खड़े कर रहे हैं कि भाई मोदी को अभी भी रोकना है, कल बोलेंगे योगी को रोकना है। लेकिन आपने क्या किया? पार्लियामेंट में जाकर कौन सा नेतृत्व किया? हमारी शरीयत में मदाखलत जो वो लोगों ने जबरदस्ती मजालिम ढाकर की है, 3 तलाक पर कानून बनाया है और कई मसले ऐसे हैं। क्या अशोक चौहान जी, आपने कभी 2 मिनट के लिए पार्लियामेंट में उस पर बहस की है? मैं सवाल करता हूं। और आज आप वोट मांगने आए हैं और आप कह रहे हैं कि हमें भरोसा कीजिए हम पर, हम आपको तहफ्फुज देंगे। हमने तहफ्फुज देखा है आपका, बाबरी मस्जिद के वक्त आपके बाप का तहफ्फुज देखा है। बाबरी मस्जिद से आप शहीद हो रही थी तो ये मंदिर में घंटा बजा रहे थे। आज ये बेटा कह रहा है कि हम तुम्हें तहफ्फुज देंगे, ये तहफ्फुज इनका कैसा है? हमने देखा 20 साल पहले, आप पुरानी जो है सो 20 साल पहले चले जाइए तो एक परभनी में एक मस्जिद में बम ब्लास्ट होता है। बम ब्लास्ट होने के बाद नांदेड़ शहर बंद किया जाता है, बंद करने के बाद थोड़ा बहुत तशद्दुद हो जाता है और तशद्दुद में शिवाजी माने मेंबर है पार्लियामेंट हिंगोली के, नांदेड़ में आकर गोली मारते हैं, फायर करते हैं, एक लड़के को गोली लगती है और वो गोली लगकर बुरी तरह जख्मी हालत में जो है सो वो बेचैन हो उठता है, मरते मरते बचता है। और आप देखिए कि शिवाजी माने उन पर कोई FIR दर्ज नहीं होता और जिसको गोली लगी उन पे 307 लगाया जाता है। यह है अशोक चौहान का इंसाफ। आज पार्लियामेंट का इलेक्शन है, वो कहते हैं गलियों का और रोडों का इलेक्शन नहीं है, वो ये कह रहे हैं अभी। मेरे भाई ठीक है, गलियों का रोडों का इलेक्शन नहीं है, पार्लियामेंट का इलेक्शन है, लेकिन ये गलियों में नालियों में आपने ही रखा है ये मुसलमान, ये दलित बस्तियां, ये फ्लड जोनों में ये क्यों है? ये गुर्बत के मारे इनको इतना गरीब कर दिया आपने 20 साल में कि इनको अपने घर नसीब नहीं है। आज यहाँ अगर देखा जाए तो आपने प्लानिंग की है, आपका राज 20 साल से चल रहा है। खुतब नगर ये जो एरिया है यहाँ पर खास तौर से पूरी शहर की ड्रेनेज लाइन यहाँ पर आके पटकी है आपने और इस ड्रेनेज लाइन के आसपास मुसलमानों को बसाया है। इसमें मेहरबानियां हमारे अपने जो उनके गुलाम है उनको भी है, उनकी भी है। उन्होंने अंदर से साठ गांठ करकर एक ड्रेनेज प्लांट जो 2-5 साल पहले यहाँ पर ईदगाह के पास डाला है उसमें भी उनका हाथ है। ये लोगों को पैसा कमाना है, मुसलमान ड्रिंक में गिरे, नाली में गिरे, नदी में बहे, इनको भी कोई लेना देना नहीं। मेरे दोस्तों एक वक्त ऐसा आया, ये बाजेगांव में एक मान भाव मंदिर है, इसके लिए एक मसला उठा, कमल किशोर कदम साबेखा मंत्री उनके अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई कलेक्टर ऑफिस में, उन्होंने कहा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है कि यहाँ मंदिर पहले था। हमारे एक वकील है बेचारे महोजिस बहुत पुराने सीनियर वकील हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास थप्पी है, कहीं भी निशान नहीं है कि यहाँ कभी मंदिर था। बहस हुई, बहस होने के बाद उन्होंने कहा कि भाई किसी भी जगह कोई भी मंदिर में हम पूजा की इजाजत देने वाला मुसलमान कौन होता है, वो तो आपको तय करना है इंक्वायरी करता। वो मीटिंग हो गई, अचानक पूजा की इजाजत दी जाती है, हुक्म होता है वहां से उनके गुलामों को कि जाओ और वो लोग जो पूजा को आ रहे हैं उनको संरक्षण दो। ये वही लोग है, यहाँ का कॉर्पोरेटर है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। मेरे दोस्तों ये उसी की देन है, यहाँ पर जो पूजा चालू है कभी भी विवादग्रस्त जगह है। कई बातें हैं, ये जो बीजेपी का जुल्म जो हद से बढ़ गया है उसके खिलाफ हमारी जंग है। हमें उस गवर्नमेंट को, उस हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकना है। तो दूसरी तरफ अपने आप को सेकुलर कहने वाली ये जो कांग्रेस है, उन्होंने मुसलमानों की हालत क्या बना रखी है? एक शारदा भवन जो क्वेश्चन सोसाइटी है उनकी जो चलती है, आज वो देखिए कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस क्या क्या है उनके पास। और उसी वक्त एक संस्था बनी थी, उन्हीं के बाप ने बनाई थी, मदीना तुलूम एजुकेशन सोसाइटी, वो आज कहाँ है? मुसलमानों की तालीम की, उनके डेवलपमेंट की बात करते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए
तकरीर में ऐसी झूठी बातें करते हुए। कभी कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पर हज हाउस बने। हाँ हाँ हाँ, 20 साल से ख्वाहिश है, मेरे दम तक ख्वाहिश ही रहेंगे, बनाएंगे कभी नहीं। उर्दू घर बना रखा है, 4 साल से 3 साल से उर्दू घर बना रखा है, लेकिन उसका उद्घाटन करने को तैयार नहीं। उसका इस्तेमाल मुसलमानों को पता नहीं, कुत्ते भोंक रहे हैं वहाँ। यह है आपका डेवलपमेंट। मेरे दोस्तों, एमएलसी की जो बात की जाती है कि कुछ झूठ, हर इलेक्शन में वो कहते आए हैं। एक तो पूसद इलाके में वजाहत मिर्जा, एक एमएलसी उनको बनाया गया, इनकी मेहरबानी से नहीं। वो दौरा करते हैं नांदेड़ का, वो कांग्रेस के एमएलसी बनाए गए, तो वो दौरा करते हैं नांदेड़ का, तो उनका इस्तेमाल वर्क है ताजा के चीफ एडिटर उन्हों करते हैं। कांग्रेस के ये गुलाम करते हैं ना, कांग्रेस पार्टी करती है, वो करते हैं। उनके ऑफिस में एक प्रोग्राम होता है जिसमें मेहमान खुसूसी हमारे उत्तर के आमदार डीपी सावंत जी होते हैं। जब उनकी बारी आई कुछ बोलने की, तो उन्होंने एक बात कही, ऐ मुसलमानों, नांदेड़ में तुम एमएलसी कहते हो ना, ये एमएलसी आ गया है बोले आपका। अब नांदेड़ के लोग हमें किसी किस्म की कोई बात डेवलपमेंट की और काम हमारे पास ना लाए, इनके पास ले जाए। जल गई फिल्म, जल गई उनकी, कि हम तो 20 साल से वादा कर रहे थे, लेकिन ये तो वहां से एमएलसी बन के नांदेड़ में हमारे सीने पे बैठ के आके हमारे को बता रहा है मुसलमानों के लिए। तो मेरे दोस्तों, ये जितने भी वादे, ये जितने भी, ये अशोक चौहान साहब के ये जितने भी चल रहे हैं, ये सब आश्वासन है। हम देख रहे हैं 20 साल से 25 साल से आज यूपी में जो सपा और बसपा का गठबंधन हुआ है, एक तारीखी गठबंधन है। और मेरे दोस्तों, देश में कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, किसकी हुकूमत आएगी, ये यूपी का गठबंधन तय करेगा इंशाल्लाह। और उसी गठबंधन की बुनियाद हम महाराष्ट्र में डालना चाहते हैं। तीसरा महास जब भी खड़े रहने की कोशिश हुई, ये बाप बेटों ने, घराने शाही ने तीसरे महास को यहाँ कभी खड़े रहने नहीं दिया। और जब भी कोई मुसलमान उम्मीदवार सामने आ जाए, जान में अंगार गिर जाती है, बस अब ये वोट तोड़ने को आए हैं। अरे भाई, 20 साल से वोट दिए तो तुमने क्या किया? एक बार ये आपने इस अब्दुल समद को 20 साल पहले विधानसभा का, मैंने इसी वजह से इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त की टिकट काटा गया था। वो शरद पवार जी, जिस पार्टी को हमने ज्वाइन किया था, उन्होंने वादा किया था समद भाई हम तुमको टिकट देंगे, इसी तरह आधी रात को टिकट काट दिया गया, मोहन पटेल टाकलीकर को दे दिया गया। तो मैंने कहा कि इसी तरह हम खामोश नहीं बैठेंगे, तो अपक्ष मैंने लड़ा। अपक्ष नांदेड़ शहर की अवाम ने मुझे सेकंड पर रखा, मैं सिर्फ 3-4 हजार वोट से गिर गया। और उस वक्त भी कहा गया कि क्या उम्मीदवार चुन के आया तुम्हारा? अरे मेरे भाई, यही लोग जो आज जिस वार्ड में हम तकरीर कर रहे हैं, ये नाम नहीं लेना चाहता, सुबह 5 बजे से देव तहारियां पकाकर पकड़ कर मुस्लिम को, समझ भाई को वोट मत डालो, यही लोग थे कहने वाले। वरना आमदार को हम अपने ताकत पर तख्ता बन गए होते। आज भी वो लोग आज भी जिंदा हैं, आज भी वो यही कह रहे हैं कि तुम चुन के नहीं आते। ऐसे चुन के नहीं आएंगे भाई। आज कैलकुलेशन देखिए कि आज पार्लियामेंट की टोटल वोटिंग 17 लाख है। 17 लाख में 9-9.5 लाख वोटिंग होती, 10 लाख आज अगर मुस्लिम वोटों की आज अगर गिनती है, हिसाब लगाएं, तो यहाँ पर 4.5 से 5 लाख मुसलमान वोटर्स हैं। यादी में देख लीजिए, जवानी जमा खर्च ने आप नेट में देख लीजिए। और दलित वोट 3.5 से 4.25 लाख वोट है। ये दलित समाज, ये बसपा के वोट, जो कैडर वोट हैं, ये अंबेडकरवादी, ये जो वोटर्स हैं, ये जो मुस्लिम वोट, अगर आज एक अकेला मुसलमान उम्मीदवार खड़ा है, आप अगर ईमानदारी से अगर 7% वोट करते हैं, तो इंशाल्लाह तुम्हारा उम्मीदवार कामयाब होगा। ये तुमको बहकाते हैं, झूठ बोलते हैं। मैं ट्रेंड दे रहा हूं आपको नौजवानों, लड़ो, सरेंडर मत हो, सरेंडर मत हो, गुलाम मत बोलो इन लोगों के। बीजेपी हमको डराती है हिंदुओं से, कांग्रेस बीजेपी से डराती है। डरा धमका कर वोट लेना बंद करो। ये जो हमारे बुजुर्ग है, वो बहुत ज्यादा दिमाग से सोचते हैं। मेरे नौजवानों, तुम दिल से सोचो। आज अपने दिल में एक अपना मुस्लिम उम्मीदवार चुना के लाने का तय कर लो, इंशाल्लाह जरूर चुना जाएगा।
हम कोई और तोड़ने या किसी के टहराया उम्मीदवार ने नौज बिल्ला। और मेरा माजी आपने देखा है, मैं दो बार चेयरमैन रहा, एक बार डिप्टी मेयर रहा, मैं कॉरपोरेटर तीन बार रहा। और आपको याद होगा 20 साल जब मैं पहली मरतबा चेयरमैन बना तो ये जो खुदबे नगर की टाकी है जहां से आप पानी पी रहे हैं, ये उस वक्त भी मैं इन लोगों के खिलाफ खड़े रहा, ये कांग्रेस के जिम्मेदारों के खिलाफ। ये कहते थे कि ये पानी की टाकी हम लाएंगे। शंकर राव जी चौहान भूमि पूजन करके चले जाते थे और पानी की टाकी 2-4 महीने में बन जाएगी। इसी तरह 10 साल गुजरे, फिर 5 साल उनके बेटे ने भी वही किया। अब जब हम एक नौ कॉरपोरेटर ने जो जनता दल से थे हम चुन के आए, तो जब हम यहाँ रात के 3:30 बजे हमारे साथी एक बारी जो कॉरपोरेटर थे इंतकाल हो गए, हमको उनसे बात करने के लिए, तो हमने देखा कि नौजवान बच्चियां हमारी माए बहने रात में पानी भरने के लिए सारी रात पानी भर रही हैं, बोर खोदे तो बोर को पानी नहीं लगता। ऐसे हालात में उस वक्त अल्लाह ने हमारे दिल में डाला कि ठीक है, ये शिवसेना भी वही है, कांग्रेस भी वही है, वो इसका भी मेयर बने। हमने मनोहर जोशी को जाके सामने बात की बॉम्बे जाके, अगर आप पानी की टाकी अगर हम यहाँ बनाते हैं तो हम आपका मेयर बनाते हैं। उन्होंने कहा समझ भाई, अगर ऐसी बात है तो हम 6 महीने के अंदर पानी की टाकी देंगे। और उन्होंने कमिटमेंट पूरा किया, हाँ 6 महीने का। इन्होंने 60 साल में कभी कोई कमिटमेंट पूरा नहीं किया। वो पानी की टाकी जो लाई है वो हमने लाई है, हमारे नौ कॉरपोरेटर थे जिन्होंने आपको पानी की टाकी के बाद सब टाकियां आई, ये हजारों करोड़ आए, मगर सिर्फ पानी की टाकी नजर आएंगी, दूसरा कोई डेवलपमेंट नजर आज तक भी नहीं आएगा। आज आए दिन जो एक्सीडेंट होते हैं देगलूर नाके पे, आप जब देगलूर नाका आते हैं तो आपको क्रॉस करने के लिए 2 घंटे लग जाते हैं। ये अशोक चौहान हर इलेक्शन में यहाँ से गुजरते हैं, इनकी आंख में मट्टी है क्या, चश्मा लगे हुआ है, उनको दिखता नहीं, उनको इतना ही मालूम है कि मुसलमानों की आबादी है, पड़े रहने दो, मरन दो, हमें क्या करना है। फिर क्यों डालते हो इनको वोट मेरे भाइयों, एक मरतबा समद भाई को वोट डालो, इंशाल्लाह तुम्हारा ये फ्लाई ओवर ब्रिज का मसला जो गुरु तगदी में तय था, मैं उस वक्त था, लेकिन तुम्हारे इस कॉरपोरेटर ने, मैं बोलना नहीं चाहता क्या लिया, वो फुट ब्रिज लाने की जिम्मेदारी उसकी है, उसने फ्लाई ओवर ब्रिज कैंसल किया और अपना घर भरा। फिर भी इन लोगों को आप सुन के देते हो, इन गुलामों को, इनके ये हर वक्त जब भी इलेक्शन आता है अपने आखा को और दो बोलते, इनको खुदा याद नहीं आता, मुसलमान ही याद नहीं आता, इनका पूरा खुदा अशोक चौहान राखा हो जाता है। मेरे मुसलमानों, मेरे दलित भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है, ये खुदा नहीं है, ये अशोक चौहान का डर ये दिल में से निकाल कर एक अल्लाह के हो जाओ। कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ में है मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह हम आज नहीं तो कल कामयाब होके रहेंगे। बस इतनी बातें मुझे कहनी थी, हमारे नौजवान खायद अब आपसे मुखातिब होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, आदाब।